हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 27 जून के करंट अफेयर्स। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स और करंट अफेयर्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर और दिन के करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो स्टूडेंट्स और फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा हाल ही में रत्नागिरी रिफाइनरी विकसित किए जाने के लिए भारत के साथ अनुबंध किया गया है। अब स्टूडेंट्स रत्नागिरी रिफाइनरी विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ बॉन्ड साइन हुआ है, यहाँ देखिए बोइंग, सऊदी अरामको, डेव एंड स्मिथ या फिर विल्सन केमिकल्स। तो स्टूडेंट्स ये बॉन्ड साइन हुआ है सऊद अरामको के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित कर लिया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी या फिर कोलोराडो यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सिटी है मिशिगन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा अगले महीने स्वदेश निर्मित उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। तो भारत द्वारा विकसित किया गया उपग्रह किस पड़ोसी देश द्वारा भेजा जाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार। तो स्टूडेंट्स ये भेजा जाएगा पाकिस्तान द्वारा। बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख का क्या नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार जनरल्स के नाम है। तो स्टूडेंट्स बांग्लादेश के जो नए सेना प्रमुख है वो है जनरल अजीज अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फोर्थ का। राष्ट्रपति डैनी फॉरे की भारत यात्रा के दौरान भारत और सेलेस के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, समझौते बताने आपको कितने साइन हुए हैं राष्ट्रपति डैनी फॉरे के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो छह समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और सेलेस के मध्य में। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन से थे, ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे आर शंकुतलम, याद रखिएगा शंकुतलम नाम था इनका। आर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच घरेलू उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के मकसद से ईरान के उद्योग, खनन और व्यापार मंत्रालय ने कितनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन है 1339, 2339, 3339 और 1939। ऑप्शन करेक्ट है ए 1339 वस्तुओं पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईफा अवार्ड 2018 में किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अजय देवगन, अनुपम खेर, सलमान खान या आमिर खान। सो स्टूडेंट्स आईफा अवार्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है अनुपम खेर को। क्वेश्चन नंबर 9, नौसेना अभ्यास को कोऑर्डिनेट पेट्रोल का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो कोऑर्डिनेट पेट्रोल जो हुआ है ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भूमिगत पानी की कमी की जांच करने हेतु पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना शुरू की है। तो पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना शुरू की गई है पंजाब सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है दसवें का। नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अब स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय दिवस नशीली दवाओं के खिलाफ और के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ मनाया जाता है, आपको बताना है 26 जून, 15 जून, 10 जून या फिर 14 जून। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 26 जून इसका आंसर है, 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के लिए। यूरोजोन के मंत्रियों ने निम्न में से किस देश में चल रहे वित्तीय संकट को खत्म करने की घोषणा करते हुए कर्ज माफ करने की मंजूरी दे दी है। तो बताना है आपको देश, तो यहाँ पर देखिए वो देश है ग्रीस। आप जानते हैं ग्रीस के अंदर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था अभी, और उसकी वजह से ग्रीस की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है, और वहां पर ये घोषणा कर दी है कि कर्ज माफ करने की मंजूरी दे दी गई है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए या फिर लाइक का बटन दबा दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और वी विल कंटिन्यू दिस फॉर्मेट। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।